अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो अबाउट बैंकिंग के रिलेटेड है। जब एक आम इंसान अकाउंट ओपन करवाने जाता है बैंक के अंदर, वो नुमाइंदे से जा कहता है कि मैंने अकाउंट ओपन करवाना है, जिस भी बैंक में जाए तो वो आपका एक करंट अकाउंट ओपन कर देता है। वो आपको नहीं बताता कि ये करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं, और ना ही वो सारफ जो अकाउंट ओपन करवाने जाता है उसको भी नहीं पता होता कि वो कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जो कि दो टर्म्स हैं बैंकिंग के अंदर जो मेन टर्म्स हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये करंट अकाउंट क्या चीज है और सेविंग अकाउंट क्या चीज है। तो मैं आपको आसानी अल्फाज में गाइड कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो पे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो सबसे बड़ा और मेन फर्क होता है वो ये होता है कि करंट अकाउंट के अंदर अगर आप रकम जमा करवाते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 साल बाद उसके अंदर कोई इजाफा कोई कमी नहीं होगी। आपने जितनी रकम रखी हुई है उतनी की उतनी ही रहेगी, बशर्ते कि आप उसमें से निकलवा नहीं लेते। लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर मुख्तलिफ केस होता है। सेविंग अकाउंट मतलब होता है कि आपकी जो सेविंग होती है, आपने 1 लाख सेविंग अकाउंट में रखा तो 1 साल बाद उसमें 1 लाख नहीं होगा, बल्कि उसमें आपको प्रॉफिट दिया जाता है। आजकल के दौर में, आजकल का जो वक्त चल रहा है, इसके अंदर जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलता है 1 लाख के ऊपर, वो 10,000 रुपए होता है। तो मतलब ये हुआ कि 1 लाख के ऊपर साल बाद जो है वो आपको 1,10,000 आपकी अमाउंट बन जाएगी, आपकी अमाउंट में 10,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। अब वो अलहदा बात है कि अक्सरियत ये मानते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि ये सूद में जुमरे में आता है, लेकिन कुछ बैंक जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये सूद नहीं है। जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग में ये कहते हैं कि ये सूद नहीं है। अब मैं नहीं कहता कि जी वो भी सूद है, वो बस चीजों को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा। ये आपके अपने ऊपर है, आपको फैसला करना चाहिए। कुछ बैंक्स हैं जैसे कि मिजान बैंक है, वो कहता है कि मेरा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है वो सूद से बिल्कुल पाक होता है। अब उसमें क्या होता है कि आपका प्रॉफिट बनिस्बत दूसरे बैंक के सेविंग अकाउंट से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक का फैक्टर वो लागू कर देते हैं। अब ये आपको फैसला करना है कि जी कौन से सेविंग अकाउंट जो है वो हलाल है कौन सा हराम है। लेकिन मेरा इस वीडियो का जो मकसद मेन था वो आपको ये बताना कि करंट अकाउंट में कोई किसी किस्म की इजाफा या कमी नहीं होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट के ऊपर हर बैंक का प्रॉफिट रेट लागू होता है। किसी बैंक का प्रॉफिट रेट ज्यादा होता है, कोई बैंक आपको 1 लाख पर 10,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, कोई 13,000 दे रहा है, और कोई बैंक आपको 6 माह बाद प्रॉफिट दे देता है, कोई बैंक आपको 1 माह बाद देता है, कोई बैंक आपको साल बाद देता है। तो ये डिफरेंट बैंक का डिफरेंट रूल होता है, और हर बैंक के एक नहीं कई किस्म के सेविंग अकाउंट्स होते हैं। लेकिन जो मेन फर्क है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सो आपको ज्यादा पचीदा बातें करने की या सीधा पचीदगी में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो एक फर्क मैंने देखा है वो ये है कि करंट अकाउंट के ऊपर जो है ज़कात की कटौती नहीं होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको ज़कात की कटौती भी होती है। और इसके अलावा जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो दोनों के अंदर सेम होते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप दोनों अकाउंट्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी चाहे रकम आप जमा करवा सकते हैं, जितनी चाहे आप निकलवा सकते हैं, कोई इसके अंदर जो वो लिमिट नहीं होती है। जो मेन दो फर्क थे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि करंट अकाउंट क्या चीज होती है और सेविंग अकाउंट जो है वो क्या चीज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इसी तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग टैग बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।